लॉकडाउन 4 की घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन को जारी करते समय कुछ और राहत भी दी गई है। डीसी निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले लॉकडाउन 3 की स्थिति में कार्य चल रहे हैं, अभी उसी प्रकार से कार्य चलेंगे, लेकिन दुकानों के समय में बदलाव किया गया है। पहले दुकानें प्रातः 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलती थी, अब दुकानें प्रातः 9 से लेकर साय 5 बजे तक खुलेंगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा ढाबे और रेस्टोरेंट पहले की तरह सिर्फ होम डिलीवरी ही कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में ओड इवन के हिसाब से दुकानें खुल रही हैं, वह दुकानें अब भी ओड इवन के हिसाब से ही खुलेंगी। उन्होंने बताया कि दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा और मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है, इसे जरूर लगाएं। उन्होंने बताया कि करनाल वासियों ने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक भरपूर सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि आगे भी भरपूर सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी उन्हें पूरी उम्मीद है। उन्होंने बताया कि दुकानें ठीक शाम 5 बजे बंद हो जानी चाहिए। जो भी दुकानदार इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ नियम अनुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। नमस्कार, आज 17 मई के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन करनाल जिले के बारे में मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आज करनाल में एक कोरोना का और पॉजिटिव केस आया है। ये इंडिविजुअल इंद्री सब डिवीजन के चौगामा गांव का रहने वाला है और गुड़गांव से यहां पे आया था, और जब उसका टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव निकला है। हमने इसके सभी फैमिली मेंबर्स को भी आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, और पूरे एरिया को सील करके कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। इस प्रकार से करनाल में अभी तक टोटल केसेस की संख्या 18 हो गई है और एक्टिव केसेस अभी हमारे यहाँ 7 हैं। बाकी सारे लोग ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं और उनमें से एक की देहांत हो गया था। दूसरी जो सूचना आपसे शेयर करना चाहूंगा, करनाल में जो एक ऑगमेंटेशन कनाल है वो रावर गांव के पास ब्रीच हो गया था, उसमें पानी बाहर निकलने लग गया था और इस वजह से आसपास के इलाके में जलभराव हो गया है। विशेष रूप से रावर गांव इसमें प्रभावित है और उसकी गलियों में कई गलियों में पानी भरा हुआ है। प्रशासन की टीमें सुबह 4 बजे से आज मौके पे हैं और पूरी कोशिश चल रही है जल्दी ही जो नहर टूटी है उसके ब्रीच को रोक दिया जाएगा। गांव वालों को हर संभव इसमें सहायता दी जा रही है। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जैसे लॉकडाउन 4 कल से लागू होने जा रहा है और इसकी विशेष जो रूपरेखा है, जो दिशा निर्देश हैं, वो केंद्र सरकार से अभी नहीं आए हैं और आज लेट इवनिंग तक या कल तक आने की उम्मीद है, तो इस संदर्भ में करनाल जिला प्रशासन ने सभी लोगों से चर्चा करने के उपरांत ये फैसला लिया है कि जो व्यवस्था अभी तक बनी हुई थी वो उसी प्रकार से चलती रहेगी। उसमें बस एक दो छोटे मोटे चेंजेस हमने करने का फैसला लिया है। एक तो जितनी भी दुकानें थी, चाहे वो किराने की हों, सब्जी फलों की रेहड़ियां हों, इन सब का समय जो अब तक 8 बजे से 2 बजे तक रखा हुआ था उसको बढ़ा करके सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक करने का फैसला लिया गया है। यानी अब दुकानें सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुलेंगी। ओडीवन पहले की भांति लागू रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं दी गई है। इसी प्रकार से जो रेस्टोरेंट और ढाबे हैं वो सिर्फ होम डिलीवरी देंगे, वहां पे डाइन इन सर्विस देना मना है, उसमें भी किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं है। इसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस केंद्र सरकार से प्राप्त होने के बाद आपको तुरंत दोबारा से सूचित किया जाएगा। अभी के लिए ये व्यवस्था प्रशासन की तरफ से लागू रहेगी। ऐसे मुश्किल समय में, कोरोना के समय में, करनाल वासियों ने पूरे प्रशासन का बहुत सहयोग किया है और मैं उनसे आगे भी इसी प्रकार के सपोर्ट की उम्मीद रखता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.